बारिश कभी भी हत्यारी नहीं होती, ना कभी भी हत्यारी होती है नदियां, और ना ही नदियों में आई बाढ़। हत्यारी होती है इंसानों के अंदर की लालसा, लोभ, तृष्णा, लालच और हवस। पहाड़ों को तोड़कर समतल करते हैं, जाने अनजाने में जंगल को जला देते हैं, मैदानों में पेड़ों को विकास के नाम पर काटकर कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर देते हैं, और फिर होता है हाहाकार। पिछली बार की आपदा से उभरे भी नहीं थे कि इस बार की पहली ही बारिश ने हिमाचल की कमर तोड़ दी। गांव तबाह हो गए। जहां कभी बच्चे हंसते खेलते खिलखिलाया करते थे, वहां शमशान घाट ही नजर आ रहा है। प्रदेश में चाहे शिमला हो, सोलन हो, कांगड़ा, कुल्लू या फिर मंडी, हर जगह तबाही देखने को मिली है। कल देर रात से शुरू हुई बारिश ने बड़े बड़े पहाड़ तो गिराए, मगर प्रदेश पर दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया। शुरुआत शिमला के रामपुर से करते हैं, जहां समेज गांव में पूरा का पूरा गांव बारिश की भेंट चढ़ गया। यहां पर कुल 36 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से खबर लिखे जाने तक सभी लापता है। कुल्लू और शिमला के बॉर्डर एरिया पर आए इस तांडव में कुल्लू की तरफ से यानी बागीपुल निर्मल की तरफ से 7 लोग इस जल जले की चपेट में आए, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई है। इतना ही नहीं, मंडी के उपमंडल पद्धर के चौहार घाटी के 13 गांव में रात बादल फटा, जिसमें 11 लोग इसकी जद में आ गए। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार से संबंध रखते थे, और कहते हैं कि मौत का ग्रास उसे बुला ही लेता है जिसकी मौत लिखी होती है। सूत्रों की माने तो इन्हीं 11 में से एक व्यक्ति मेहमान के तौर पर इनके घर पर आया था, जिन्हें किसी काम के चलते मनाली जाना था, लेकिन अंततः उन्होंने वहीं ठहरने का फैसला लिया, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कामना भी नहीं करी थी। चौहार घाटी में अभी तक 3 शव बरामद हो गए हैं, तो वहीं 2 को रेस्क्यू किया गया है जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें से 1 का इलाज टांडा तो दूसरे का इलाज नेरचौक अस्पताल में चल रहा है। इतना ही नहीं, पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मलाना में पावर प्रोजेक्ट 1 का डैम टूट गया है। कुल्लू के मणिकरण में सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई है, और मनाली में नेशनल हाईवे तक बारिश की जद में आ गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाई आपात का लेवल बैठक के बाद कहा कि बादल फटने से तबाही हुई है। उन्होंने स्थिति का ताजा हाल साझा किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूरा प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। सभी डीसी को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेना से भी मदद मांगी गई है। अगले 36 घंटे तक भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए लोगों से नदी नालों के आसपास ना जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। सीएम ने कहा कि एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। उन्होंने एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजने का भरोसा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत हुई है। उन्होंने केंद्र से आपदा में मदद करने का आग्रह किया है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं कंगना रनौत ने भी हालत सामान्य होने पर हिमाचल आने की बात कही है, तो वहीं प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस प्रकृति के कहर पर संवेदना व्यक्त की है।
राइट साइड डाउन डाउन रोप ढीला करो ढीला रोप ढीला कर दो और ढीला कर दो छोड़ दो छोड़ दो लूज कर लो लूज कर लो लूज कर लो और लूज कर लो और ढीला करो ढीला करो ढीलो छोड़ दो I'm going to